महान ऋषि भारद्वाज का जन्म कैसे हुआ? कौन थे भारद्वाज के माता पिता? कैसे हुई भारद्वाज की उत्पत्ति? आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान। आप सभी विद्वानों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी से ये निवेदन भी करता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के रहस्यमय वीडियो इस चैनल से प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि महान ऋषि औतथ्य अपनी पत्नी ममता सहित, उनकी पत्नी का नाम था ममता, आश्रम में रहा करते थे, तपस्या किया करते थे। एक दिन महान ऋषि औतथ्य तो भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, वन विहार करने के लिए चले जाते हैं और आश्रम में उनकी परम सुंदर पत्नी ममता रह जाती है। तभी देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है। देवगुरु बृहस्पति औतथ्य मुनि से मिलने के लिए आश्रम में आए और वहां देवी ममता को अकेली देख करके पूछने लगे कि हे भद्रे, तुम्हारे पति इस समय कहां गए हुए हैं? तो ममता कहने लगी कि हे देवगुरु, मेरे पति इस समय वन विहार करने के लिए गए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति वहां ममता को अकेली देखते हैं और ममता पर आसक्त हो जाते हैं। श्रोताओ, ममता की नजर भी देवगुरु बृहस्पति पर ठहर जाती है। दोनों की काम भावनाएं जागृत हो गई और वहां उनका संयोग हुआ और ममता के एक गर्भ ठहर जाता है देवगुरु बृहस्पति का। धीरे धीरे समय निकला, देवगुरु बृहस्पति तो चले जाते हैं और इधर ममता अपने आश्रम में उस गर्भ का पालन पोषण करने लगती है। गर्भ पल रहा है धीरे धीरे। जब 7 से 8 महीने का समय निकला तो एक दिन औतथ्य मुनि ने अपने तपोबल से देखा कि जो गर्भ पल रहा है वो किसका पुत्र है। महामुनि औतथ्य को शंका हुई और जब उन्होंने उस गर्भ के बारे में जाना तो दीर्घतमा मुनि, महान प्रसिद्ध ऋषि थे दीर्घतमा, दीर्घतमा मुनि से इस बारे में विचार विमर्श किया। दीर्घतमा ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे कि इसने बहुत गलत कार्य किया है, निंदनीय अपराध किया है, इसके लिए इसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए श्रोताओं, दीर्घतमा मुनि चरण प्रहार करते हैं ममता के उस गर्भ पर और उससे वो गर्भ स्खलित हो जाता है। और जब गर्भ स्खलित हुआ तो ममता को वन क्षेत्र में जाकर के उस गर्भ को छोड़ना पड़ा। वहीं देवगुरु बृहस्पति प्रकट हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ममता को वहां देख करके कहने लगे कि हे ममता, हे भद्रे, तुम इस पुत्र को यहां क्यों डाल रही हो? तो स्वयं ममता कहने लगी, देखिए यहां एक श्लोक भी है, पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे ममते, हे मूढ़े, ये पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा कि हे बृहस्पति, ये पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण पोषण करो। इस तरीके से उन दोनों में वहां विवाद खड़ा हो जाता है और देवगुरु बृहस्पति और ममता दोनों आपस में विवादित स्थिति में आ जाते हैं और उस पुत्र को वन में छोड़ करके चले जाते हैं। धीरे धीरे समय निकला, जब उस पुत्र को उस वन में छोड़ दिया, अकेला रह गया भारद्वाज मुनि वन में असहाय स्थिति में, तभी महान राजा भरत, जिसके 3 स्त्रियां थी और उनके गर्भ से 9 पुत्र हुए थे, परंतु भरत के ये कहने पर कि ये पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार राजा भरत के कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्र जन्म विफल हो गया। महाराज भरत ने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए
मरुत्सोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जब मरुत्सोम नामक यज्ञ भरत जी ने करवाया तो मरुद्गणों ने उन्हें एक पुत्र ला करके दिया। मरुद्गण भारद्वाज मुनि को जहां वन क्षेत्र में पड़े हुए थे वहां से उठा करके लाए और भरत को सौंप दिया और कहा कि हे राजन, आप इस पुत्र का पालन करें। देखिए श्रोताओं, राजा भरत ने उस पुत्र का पालन पोषण किया और उसी के कारण उसका नाम भारद्वाज पड़ा। एक नाम उनका वितथ भी आता है। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुद्गणों ने राजा भरत को भारद्वाज दिया था, इसलिए उनका नाम वितथ भी आता है। कहीं कहीं वितथ नाम से भी जाने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के संसर्ग से उत्तथ्य पत्नी ममता के गर्भ से महान ऋषि भारद्वाज का जन्म हुआ था। भारद्वाज के बारे में आप जानते होंगे कि परम विद्वान थे। भारद्वाज ने अनेकों ग्रंथों की रचना की, भारद्वाज संहिता लिखी। भारद्वाज ने वायुयान के रखरखाव के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। वायुयान, सबसे पहले जो वायुयान के पार्टों का वर्णन किया है वो भारद्वाज ऋषि ने ही किया है। भारद्वाज ऋषि वायुयान के एक कुशल इंजीनियर थे, एक अच्छे प्रणेता थे। तो भारद्वाज एक महान ऋषि थे। वनवास के दौरान आपको ज्ञात होगा कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो भगवान राम भी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए थे मिलने के लिए भारद्वाज से। ऐसे महान ऋषि थे भारद्वाज, परम विद्वान ऋषि थे भारद्वाज। और उन्हीं भारद्वाज का जन्म देव गुरु बृहस्पति के अंश से हुआ था। देखिए श्रोताओ, यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के प्रमाणिक वीडियोस आपकी सेवा में प्रसारित करता रहता हूं। ये कथा विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण के पेज नंबर 290 पर लिखी हुई है। विष्णु पुराण के 290 पेज पर वर्णित है ये कथा। बड़ी ही रोचक तरीके से लिखी गई है। यदि आप सूक्ष्म विष्णु पुराण खरीदेंगे तो उसमें आपको छोटी मिलेगी और